देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। फूल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता। ये देखिए, कई किलोमीटर लंबी एक कतार महिलाओं की आपको क्या कहती है। उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब तो सब लोग आपकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं और वो लोग धर्म की बात भी कर रहे हैं और सब लोग मंदिर भी जाते हैं, और बीजेपी का तो आरोप रहता है कि ये लोग टूरिज्म है, ये तो एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म करते हैं चुनाव के टाइम पे। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन नफरत करता? सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल के राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार के उलझलूल लोगों को छोड़िए, ये देखिए, कई किलोमीटर लंबी एक कतार महिलाओं की आपको क्या कहती है। अब की दिवाली कांग्रेस वाली, कांग्रेस ने एक महिला सुरक्षा चक्र बनाया है। ये महिला सुरक्षा चक्र क्या है? जब बिटिया पैदा होगी तो 2,51,000 रुपये का शगन कांग्रेस की अगली सरकार देगी। जब बिटिया स्कूल में जाएगी तो पहली से आठवीं कक्षा तक 500 रुपया हर महीने देंगे, 9वीं-10वीं में 1,000 रुपया हर महीने बिटिया को देंगे, 11वीं-12वीं में हम 1,500 रुपया हर महीने देंगे। जब बिटिया के हाथ पीले होंगे तो कांग्रेस की अगली सरकार जो 3 दिसंबर को जिसका गठन हो जाएगा वो 1,01,000 का शगन बिटिया की शादी पर देगी। जब बिटिया गृहस्थी में जाएगी तो 1,500 रुपया हर महीने रसोई खर्च के लिए देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, और यही नहीं 100 यूनिट बिजली माफ और अगली 100 यूनिट बिजली का बिल हाफ होगा। हारी बीमारी के लिए 25 लाख का इंश्योरेंस कवर देंगे, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देंगे, और जब बिटिया बुजुर्ग हो जाएगी, जब बिटिया बुजुर्ग हो जाएगी तो 1,200 रुपया माह देंगे। उलझलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।